नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह बगोदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डुप्लीकेट शराब की खेप को बरामद किया है। शुक्रवार को SDPO नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर बगोदर थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी के नेतृत्व में टीम गठित कर GT रोड NH2 पर धनबाद से आने वाले वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान एक ऑटो से 375 ml का 360 बोतल डुप्लीकेट शराब बरामद किया गया। इस मामले में एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है, वही एक मौके से भाग निकला। SDPO ने बताया कि धनबाद से खेप को बिहार के भोजपुर ले जाने की योजना थी। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है, धंधे में शामिल लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। व्यापार संबंधित गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बगोदर थाना में थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर धनबाद साइड से आने वाली गाड़ियों का चेकिंग किया जा रहा था। उसी क्रम में एक पियाजियो टेम्पो से लगभग 360 बोतल 375 ml का डुप्लीकेट शराब बरामद हुआ है और पियाजियो टेम्पो को जब्त किया गया है। इसके साथ ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। ये शराब बिहार के भोजपुर जिला जा रहा था। वी टाइम न्यूज के लिए गिरिडीह से दीपक कुमार की रिपोर्ट।